नमस्कार साथियों। तो भाई तंजानिया जाने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये हो सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे तंजानिया, जी हाँ, कंपनी में जॉब हैं 25 प्रकार के। अब 25 प्रकार के जॉब में भैया सैलरी मिलेगी आपको 1,00,000 रुपए, और वो भी बिना इंटरव्यू के। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। जो लोग तंजानिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरी तंजानिया से रिलेटेड आती है, तो भैया वैकेंसीज आई हुई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और इसके बारे में डिटेल से बात भी करेंगे। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे वैकेंसीज मैं दिखा देता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई साहब आप देख लो भैया तंजानिया, जी हाँ, और उनका ये डिमांड लेटर है। ये कहाँ है, क्या है, इनके बारे में तो छोड़ दो, ये क्या करते हैं आप देख सकते हैं भैया। ये डेट दी गई है, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था और रेफरेंस नंबर वगैरह पूरी डिटेल दी गई है, क्या क्या आपको चाहिए होता है पूरी इस डिटेल से मैं दिखा देता हूँ। अगर आप मैनेजर की पोस्ट पर जाते हैं तो 8 लोगों की जरूरत है और $2,000 आपको तनख्वाह मिल जाएगी। फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर भी चल जाते हैं। अकाउंटेंट में भैया 10 लोगों की जरूरत है, $1,700 तनख्वाह है। स्टोर कीपर में जाते हैं 1,400 लोगों की जरूरत है, $1,150 तनख्वाह है। और डकमैन में 8 लोगों की जरूरत है, $1,300 तनखा है। प्लंबर में 1500 लोगों की जरूरत है और $1,300 तनखा है इसमें। और रिगर में आप जाते हैं तो 8 लोगों की जरूरत है, $1,300 तनखा है, $1,300 में। और वेल्डर में अगर आप जाते हैं तो 12 लोगों की जरूरत है, $1,300 इसमें तनखा है। और सब में फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर दोनों चल जाएंगे। अगर आप आगे बात करें तो भैया ग्रेंडर ऑपरेटर में 8 लोगों की जरूरत है, $1,500 तनखा है। लाइट हेवी और ड्राइवर में 15 लोगों की जरूरत है, 1300। और फोरमैन में भैया 12 लोगों की जरूरत है, $1,350 तनखा है। पाइप फिटर में 17 लोगों की जरूरत है, $1,200 तनखा है। और स्टील फिक्सर में भैया 12 लोगों की जरूरत है, $1,200 तनखा है। डीजल मैकेनिक में 6 लोग चाहिए, $1,400 तनखा दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड में 16 लोग चाहिए, $1,500 तनखा दे देंगे आपको। फूड पैकिंग जॉब में भी भैया 20 लोगों की जरूरत है, $1,100 तनखा दे देंगे। इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर में भैया 6 लोगों की जरूरत है, $1,450 आपको तनखा दे देंगे। मैकेनिकल इंजीनियर में 5 लोगों में $1,400 तनखा देंगे हम आपको। सिविल इंजीनियर और ड्राफ्ट मैन में भी भैया जरूरत है, $1,500 तनखा है। और क्रेन ऑपरेटर में भी भैया $1,350 तनखा है। और बॉलर ऑपरेटर में भी भैया तनखा ठीक है, $1,200 तनखा दे देंगे। सुपरवाइजर में देख सकते हैं $1,450 तनखा है। कारपेंटर में $1,100 है। और इलेक्ट्रीशियन टचमैन में आपको $1,250 तनखा है। ट्रॉलर में आपको देख सकते हैं $1,100 तनखा है। टेलर में और चीफ में देख सकते हैं $1,200 तनखा है। सब में फ्रेशर भी चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो चल जाएगा और एक्सपीरियंस होल्डर है तो चल जाएगा, ठीक है जी। जॉब की कमी नहीं है भैया, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जरूरत है, $1,200 तनखा है। और सेटरिंग की भी जरूरत है, $1,200 है। हेल्पर में भैया $800 कम से कम तनखा इसी में है। मैकेनिक ऑपरेटर में 1200 है। और टाइल और मार्बल स्टोर में है $1,350 है। प्रिंटर में देख सकते हैं 1400। फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर में $1,500 तनखा है। एल्युमिनियम फैब्रिकेटर में $1,600 तनखा है। क्रेन ऑपरेटर में 1250 है। फैब्रिकेटर में 1600 है। हाउस कीपर जॉब में भी भैया $1,300 तनखा है। स्किल में इसमें 1250 है। और लेंथ मशीन ऑपरेटर में $1,200 तनखा है। और सेफ्टी ऑफिसर में $1,500 से $2,100 तनखा है। एसी टेक्नीशियन में भैया $1,350 तनखा है। इसमें भी आप अगर फ्रेशर हैं तो चलेंगे और एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो चलेंगे। तो तनखा की बात करें तो भाई देख लो $1,500 यानी 1,25,000 तक तनखा आपको महीने की तंजानिया में मिल सकती है। अब इसमें देख लो भैया मेडिकल फ्री कॉस्ट है, फुल पेमेंट आफ्टर वीज़ा। तो आपको ये वैकेंसीज दिख रही होंगी, ये वैकेंसीज ऑफिसों की तरफ से निकाली जाती हैं और लगभग ये 25 से भी ज़्यादा ऑफिस हैं भाई। तंजानिया जैसी कंट्री में 1,25,000 रुपये तनखा अगर किसी को मिलती है तो ये कमेंट जरूर करना कि सर मैं तंजानिया में हूँ और जो जॉब मैंने बताया उसमें इतनी तनखा है। ये हैं फेक वैकेंसीज, फेक डॉक्यूमेंट, फेक बेवकूफ़ बनाने वाली वैकेंसी। अब आप एक कमेंट करके ये बताना कि क्या किसी ऑफिस में इतनी वैकेंसीज आती हैं एक साथ में। यानी ये वैकेंसीज का मतलब ये होगा भैया कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अभी शुरुआत करी है, सब वैकेंसीज की अभी कमी कमी चल रही है, कंपनी की शुरुआत भी नहीं हुई। ये वैकेंसीज है ना, इस हिसाब से ये साबित होता है। आप विदेश में रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज में जॉब भी करते होंगे, आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या वैकेंसीज इतनी वैकेंसी आती है किसी कंपनी में। आप कमेंट, हाँ ठीक है कंपनी में 8-10 वैकेंसी आ सकती हैं एक साथ में, 20-30 लोगों की आ सकती हैं जो भी बड़ी कंपनी हो। क्योंकि ये जो वैकेंसीज दिखाई है ना, ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, फोरमैन है, फलाना डिमका, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है ये। तो क्या एक कंपनी शुरुआत आपसे ही करेगी? आपको लूटने का तरीका है ये, आप यकीन करिए। जो वैकेंसीज ऐसी एक साथ में, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉल करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे लायक जॉब नहीं, आप सब लोगों के लायक जॉब है, सिर्फ आप हमारे पास आइए, मेडिकल करवाइए या हमें पैसा दीजिए, या फिर हो सकता है कि हमारा ये टारगेट हो कि 1,000 लोगों से 10,000, 20,000 ज़्यादा नहीं चाहिए, 20,000 भी 1,000 लोगों से या 500 लोगों से इकट्ठे हो गए तो हम तो भैया किराए के ऑफिस लेके बैठे हैं, ताला दिया, 50-60 लाख रुपये हो गए और भाग गए।
हाँ, या तो हम आपसे कैश पैसा लेंगे या फर्जी अकाउंट में पैसे डलवाएंगे, पुलिस और आप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये स्थिति है इन लोगों की। तो इनसे बचने का मैन बैर, इनसे बचने का एक ही तरीका है, इन फर्जी वैकेंसीज को छोड़िए। ये बंदे ने मुझे डाली थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सिर्फ मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करो तो आपका भला हो सकता है, वरना इनके चक्करों में लाख रुपये तंजानिया जैसी गरीब कंट्री में भाई कौन तनख्वाह देता है? वहाँ के लोग तो बेचारे ऐसे रुके सूखे खाके सोते हैं, आपको लाख लाख रुपये तनख्वाह दी जा रही है। बचें इनसे, फेक वैकेंसी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।